भाजपा ने किया नए प्रदेश अध्यक्ष का उत्तराखंड में ऐलान, पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को मिली कमान। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों पर भी होगी छापेमारी, ईडी तैयार कर रही है लिस्ट। कर्नाटक में फाजिल मर्डर केस में पुलिस ने 21 लोगों को लिया हिरासत में, पूछताछ अब भी जारी। दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए पुरानी आबकारी नीति लागू करने का दिया निर्देश। गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज विद्युत क्षेत्र में पुनर्निर्मित वितरण योजना का करेंगे शुभारंभ। एक विलन रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, पहले ही दिन 7 करोड़ के पार गई अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम की फिल्म। भारत ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 68 रनों से हराया, तूफानी पारी खेलने वाले कार्तिक प्लेयर ऑफ द मैच बने। वाराणसी के DM बने रहेंगे कौशल राज शर्मा, बनाया गया था प्रयागराज का कमिश्नर। CWG 2022 में आज मीराबाई से स्वर्ण पदक की उम्मीद, लवलीना और हॉकी टीम पर रहेंगी नजरें। भारत में पिछले 24 घंटे में 44 और लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम, 20,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना संक्रमित।